हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे दाल चावल की बिल्कुल नए तरीके से ढोकला रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी ये ढोकला बन के तैयार होती है। एकदम परफेक्ट ढोकला, जलेदार ढोकला बन के तैयार होती है। चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, एक कप चावल लेंगे, एक कप दाल लेंगे, चना दाल है, और एक चम्मच मेथी दाना लेंगे। इनको अच्छे से दो से तीन पानी अच्छे से धो लेना है। इसके बाद दो गिलास पानी डाल के 7 से 8 घंटा के लिए इसको भिगो के रख देंगे। जब अच्छे से फूल जाएगी तब इसको पीसेंगे। अच्छे से फूल गया है, ये 8 से 9 घंटे के बाद की वीडियो है फ्रेंड्स। दाल भी अच्छे से फूल गया और चावल भी अच्छे से फूल गया है। बड़ी वाली मिक्सी की जार लेंगे और ये चावल को अच्छे से और दाल को छान के डालेंगे। पानी सहित नहीं डालेंगे, थोड़ा बहुत पानी चल जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे छान छान के ही डालें। और आधा कप जितना पानी डालेंगे, इसके पीस के प्यूरी तैयार कर लेंगे। एक बॉल बैटर को रख देंगे, एकदम देख सकते हैं बैटर एकदम क्रीमी, एकदम पेस्ट जैसे पीस के तैयार हुआ है। इसको पूरी रात भर के लिए मैं ऐसे ही रेस्ट पे रख दी हूँ ढक के। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये फॉर्मेट हो गई है। अच्छे से करछी से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। अभी बहुत गाढ़ी है, इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छा से थोड़ा सा पतला करेंगे। इससे पहले पानी डालेंगे, उससे पहले कुछ और मसाले डालते। 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। 2 चिटकी जितना हींग डालेंगे, इनको भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमको मिक्स करना है। जितने अच्छे से हम मिक्स करेंगे इतना अच्छा ये दिखेगा फ्रेंड्स, ढोकला बन के तैयार होगा। आधी छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी पाउडर डाली हूँ और 1 चम्मच नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, जिससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और 4 से 5 चम्मच जितना पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट ली हूँ। अब बैटर देख सकते हैं इतना ही पतला डो चाहिए इसके लिए। जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसको अच्छे से तेल लगा देंगे। एक मैं प्लेट ली हूँ, थोड़ी गहरी वाली है। इसको स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी रख के उबलने के लिए रख देंगे। 1 चिटकी जितना मैं फूड कलर डाल रही हूँ। आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप 1 चिटकी जितना हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। डाल के अच्छे से हम फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर। छोटी चम्मच से आधे चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। और जिस प्लेट में हम तेल लगा के रखे हैं उसमें सारे बैटर को डाल देंगे। और किचन के प्लेटफॉर्म पे प्लेट को 2 से 3 बार टैप टैप कर देंगे ताकि बबल्स इसमें के फूट जाए, अच्छे से सेट हो जाए डो। कढ़ाई में जो हम पानी रखे थे गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो गया है। इसमें प्लेट रख देंगे और बड़ी से बर्तन से इसको ढक देंगे। एयर नहीं निकलनी चाहिए, अच्छे से इसको कवर करके 30 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे ढोकले को अच्छे से स्टीम कर लेंगे। बीच में चेक भी कर लेंगे कि आपका ढोकला परफेक्ट बना है कि नहीं। मैंने बीच में चेक किया था, नहीं हुआ था। मैं 15 से 20 मिनट के अंदर में चेक की थी और 30 मिनट के बाद ये ढोकला एकदम परफेक्ट बन गया है। इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, एकदम पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी कट करेंगे। इसको कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेस में। आपको मैं ढोकला निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, कितना जलेदार, कितना परफेक्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। इसका तड़का बनाते, तड़का बनाने के लिए तड़का पैन लेंगे। इसमें 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच राई डालेंगे, राई को तड़क जाने देंगे। इसमें 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाल देंगे, लाम लाम कटा हुआ है, और 15 से 20 कढ़ी पत्ता डाल के लो फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए तब इसको हम तड़का को डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी पानी और चीनी भी डाल के आप इस बना सकते हैं इस बैटर तड़के को। मैंने पानी नहीं डाली हूँ, चीनी नहीं डाली हूँ। कुछ चीनी डालना हो तो चीनी और पानी डाल के इसका तड़का बना सकते हैं। उसके ऊपर सारे ढोकले के ऊपर फैला देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया ये ढोकला बन के तैयार हुई है, एकदम जलेदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। अब इसको एक प्लेट में निकाल के हम सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।